ओके स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजवीर और ये भैया एपेड्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कुछ जानकारी के लेकर कि आखिर आप सोचते होंगे कि दोस्तों मेरा ये फ़ोन क्यों स्लो चलता है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट क्यों ड्रेन होती है, आखिर ये फ़ोन कैसे फास्ट होगा, क्या वो कारण है। तो मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिससे आप जो है जानकर तुरंत अपना ऐप ड्रावर खोलेंगे, कुछ एप्लीकेशन को बाय बाय कहेंगे, उसके बाद कुछ आपको फर्क देखने को मिलेगा बैटरी में, बैटरी सेविंग को लेकर, खासतौर से स्मूथनेस को लेकर। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, खासतौर से 4 पॉइंट, और मैं 4 कैटराइज किया हूँ इन पॉइंट्स को कि आखिर जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से आपके फोन को स्लो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। पहले कैटेगरी का एप्लीकेशन है दोस्तों, उस कैटेगरी का नाम है ब्लॉटवेयर या फिर कह सकते हैं प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप जो है नया फोन खरीदते हैं उसके साथ जो है कुछ एडिशनल एप्लीकेशन भी देखने को मिले, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एप्लीकेशन और साथ साथ दोस्तों कुछ मुजरे वाले एप्लीकेशन, टिकटॉक, एमएसटॉक, टक पता नहीं क्या क्या। सो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि वो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ब्रांड्स को, जैसे मान के Xiaomi का आप जो है फोन लिए हैं, Xiaomi ब्रांड्स को वो पैसे दिए होते हैं कि आपके फोन में मेरा एप्लीकेशन पहले से ही रहे, ताकि यूजर जो है बंदा उस जो एप्लीकेशन को ओपन करे और मेरा जो है खर्चा पर्चा चलता रहे। सो यहाँ पर जो है आपको पहले ही क्या करना है, पहले ही उस मुजरे वाले एप्लीकेशन और साथ साथ जो अनयूज एप्लीकेशन जिसको आप यूज नहीं करना है उसको जो है पहले ही बाय बाय कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरा पॉइंट, अल्टरनेटिव एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि आपके फोन में क्रोम ब्राउजर होगा, उसके साथ साथ एक और ब्राउजर देखने को मिलता है। आप जिस स्मार्टफोन का जो है, जिस स्मार्टफोन ब्रांड का जो है स्मार्टफोन चला रहे हैं उस ब्रांड का जो है देखने को मिलता है। जैसे माने आप जो है सैमसंग का चला रहे हैं तो सैमसंग इंटरनेट नाम का एक जो है ब्राउजर होगा। यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों कि आप जो है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर चलाते हैं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको जो है क्रोम ब्राउजर डेफिनेटली फोर्स स्टॉप या फिर डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम ही एकदम बिल्कुल सेम है। मैं आपको जो है एक सिंपल वे में ब्राउजर को लेकर समझा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि आप जो है एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं, एंड्रॉइड के गूगल का एक गूगल कीप होता है जो कि नोट्स लिखने के लिए होता है, वही दूसरी तरफ आप जो है Xiaomi में नोट्स नाम का एप्लीकेशन है, दोनों का सेम काम होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर जो है एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल हो रहा है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर उसे फोर्स स्टॉप या फिर डिसेबल कर दीजिए, इससे आपका जो है बैटरी लाइफ थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट जो आते हैं कचरे टाइप, मुझे देखकर ना काफ़ी एंग्री होता, मतलब गुस्सा हो जाता हूँ मैं, कसम से बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ बूस्टर एप्लीकेशन, रैम बूस्टर एप्लीकेशन, क्लीनर, उसके बाद जंक फाइल क्लीनर, ये वो फलाना ढिंग का पता नहीं कितना प्ले स्टोर पर आप देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आपके फ़ोन पर ये एप्लीकेशन है तो उनको आप जो है एकदम क्लीन कर दीजिए, एकदम दूर कर दीजिए अपने आँखों से। क्यों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है ये मान के चलिए दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन है तो आपको जो है जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी आपके नाम है वहाँ पर जो है सबसे पहले ये लोग ही चुरा लेते हैं आपकी प्राइवेसी को, ये मान के चलिए। आपको जो है सारा परमिशन लेते हैं, उसके बाद जो है बराबर आपको जो है नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि आपके फ़ोन में ये फाइल वगैरह आए उसको जो है डिलीट कर दीजिए, ये वो। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको सबसे पहले इन सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ये एप्लीकेशन खुद कचरे ही कचरे क्या साफ करेंगे। सो यहाँ पर अगर क्लीनर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है मैंने एक वीडियो बनाया है, 3 एप्लीकेशन है उनमें से जो है एक आप जो है यूज कर लीजिए, काफ़ी छोटे छोटे साइज के और काफ़ी मस्त एकदम क्लीन करते हैं आपके फ़ोन को और काफ़ी इफेक्टिव भी है। और रही बात दोस्तों बैटरी सेविंग और रैम बूस्टर एप्लीकेशन की, तो मैं आपको जो कुछ उपाय बताता हूँ। जैसे कि आप जो है आपके फ़ोन में रिसेंटली कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं तो उनको जो है सीधे बैकग्राउंड से हटा दीजिए, रैम आपका जो है ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है। आजकल का एंड्रॉइड काफ़ी स्मार्ट हो चुका है बैटरी सेविंग के लेकर। तो बैटरी सेविंग ये मान के चलिए कि जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते हैं वो बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको जो है ब्लॉक कर दिए, फोर्सली क्लोज कर दिया। और देखा जाए तो मैंने जो है इस बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें से 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन से आप कोई भी यूज कर लेते हैं तो बैटरी सेविंग आराम से हो जाते हैं और क्लीनर भी उसी एप्लीकेशन में है। वही दोस्तों बात करते हैं कुछ अगला पॉइंट, सोशल मीडियाज एप्लीकेशन। काफ़ी बड़े बड़े साइज, हैवी साइज के देखने को मिल जाते हैं। आज फेसबुक का ही मान लीजिए, फेसबुक ये मान के चलिए दोस्तों कि 70 MB का जो है बड़ा साइज वाला एप्लीकेशन था, और वही लाइट साइज की बात करते हैं 1 से 1.5 MB का साइज हो जाता है। काम देखा जाए दोस्तों तो आपको जो है बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, दोनों ही काम आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। इसी प्रकार आप ट्विटर भी देख लीजिए, इसी प्रकार आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, यानी कि जो है आप हैवी साइज की जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाते हैं उनका आप जो है लाइट वर्जन इस्तेमाल करिए, वही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो हैवी एप्लीकेशन आपको जो है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है और जो स्मूथनेस आपको फोन में मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। सो अब हो गया ये 4 पॉइंट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है ये बैटरी आपको खा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है स्मूथनेस आपको फ़ोन में नहीं लाने दे रहे हैं। तो मैं आपको जो है सिंपल वे में बताता हूँ, फेसबुक का ही मान लेते हैं। जैसे फेसबुक का बड़े साइज का एप्लीकेशन मान लेते हैं 70 MB का है, वही लाइट वर्जन की बात कर लेते हैं जो कि 1 से 1.5 MB का है। वही दोस्तों आप जब फेसबुक बड़े साइज वाले एप्लीकेशन का जो है आप ओपन करते हैं तो 70 MB का जो है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेसर को जो है जो बैटरी चाहिए वो ज़्यादा होगा, कंज्यूम होगा,
जो 70 MB डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, प्रोसेसर यानी लोड भी बढ़ेगा, और उसके साथ जो है जो आपके फ़ोन में जो है लगा प्रोसेसर उसके बाद लोड बढ़ने पर जो स्मूथनेस आपके फ़ोन में मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं उस 1.5 MB वाले लाइट वाले एप्लीकेशन की, यानी फेसबुक लाइट की बात कर लेते हैं। अगर 1.5 MB के जो है डाटा ट्रांसफर में जो समय लगेगा, जो बैटरी कंज्यूम होगा, वो एज कम्पेयर टू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम लगेगा दोस्तों बैटरी 1.5 MB वाले साइज एप्लीकेशन फेसबुक लाइट खोलने में, और उसके साथ जो है आपके प्रोसेसर पर भी लोड नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आखिर जो है एकदम छोटे से साइज का जो डाटा रहेगा उससे ज़्यादा है प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट उसे प्रोसेसिंग कर देगा और उसका जो है काफ़ी स्मूथ खुलेगा और आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट रहेगा और साथ साथ बैटरी भी कम कंज्यूम होगा। तो यही जो चार एप्लीकेशन है आपके सामने शेयर किया, इस चारों कैटेगरी के एप्लीकेशन आपके फ़ोन में हैं तो अपना ऐप ड्रॉअर खोलिए, उसके बाद दोस्तों तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दीजिए अभी के अभी। तो देखा जाए तो ये वीडियो में सिर्फ एक कह सकते कि इन्फॉर्मेशन वीडियो था, इसके अलावा कुछ अपकमिंग जो है हम लाने वाले हैं कुछ अलग सा, जैसा कि जो है रिसेंटली छोड़े गए हैं पोल्स, उसके बाद जो है कुछ वीडियो। तो मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइनिंग आउट।